हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो हमारा सभी भाइयों के फेवरेट, क्योंकि भाई बहुत भाइयों के ऊपर वाले भी ऐप्स होते हैं, यानी कि ऊपर वाले ऐप्स होते हैं और बीच वाले भी ऐप्स होते हैं, और भाई नीचे वाले ऐप्स होते ही नहीं है, क्योंकि यानी कि हमारे लोअर ऐप्स होते ही नहीं है। तो अपने लोअर ऐप्स को कटिंग में कैसे कर सकते हैं, और थोड़ा फैट है तो उसको कट कैसे कर सकते हैं, और अपने लोअर ऐप्स को कटिंग में कैसे कर सकते हैं, तो उसी के लिए मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, और वीडियो के एंड में कुछ डाइट बताऊंगा, जो कि हमारे लोअर ऐप्स एकदम कटिंग में जाएगा और हमारे सारे ओवरऑल ऐप्स एकदम अच्छी तरीके से कटिंग में चमकेगा। आप कहीं पर पोजिंग दोगे तो एकदम कटिंग में चमकेंगे। तो उसी के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा, तो ये ना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हम पहला जो वर्कआउट लगाएंगे इस कंडीशन में लगाएंगे, तो हम खड़े खड़े इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो हमें अपने हाथ यहाँ पर रखने हैं, तो भाई हम अपने अपर ऐप्स के लिए जो लगाते हैं वर्कआउट इस कंडीशन में लगाते हैं, ये इस कंडीशन में। तो हम लगाएंगे ये इस कंडीशन में, अपनी टांग को सीधा रखेंगे और ये इस कंडीशन में साइड में ले जाएंगे, और दोनों मतलब टांगों से आपको सेम वर्कआउट करना है, यानी सेम रेपिटेशन निकालने हैं। जितनी बार आप इस टांग से करते हैं इतनी बार हमें इस टांग से करना है, इस कंडीशन में पूरा ऊपर की तरफ, इस कंडीशन में साइड में, इस कंडीशन में। तो हमारे लोअर ऐप्स के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है, एकदम इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, एकदम एडवांस वर्कआउट। तो इस वर्कआउट को आप अच्छी कंडीशन में फॉलो कर सकते हैं। तो अगला जो वर्कआउट हम लगाने वाले हैं, तो भाई हमें यहाँ पर थोड़ी ऊंचे की जरूरत पड़ने वाली है, तो भाई हमने जो पुलअप्स मार के वो रोड लगा के वहाँ पर कोई थोड़ी दूर लगा रखी, क्योंकि वहाँ पर वीडियो सही नहीं आएगी, वहाँ पर थोड़ा धूप आ रही है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर। तो भाई आप किसी भी मतलब पेड़ वगैरह का सहारा लेके, या फिर थोड़ी ऊंचे का, या फिर आपके छजली आपके घर पर, तो इस वर्कआउट को छजली पर ही फॉलो कर सकते हैं आसानी से। तो इस कंडीशन में आपको पकड़ लेना है, और हमें यहाँ पर इस कंडीशन में नीचे की तरफ पैरों को सीधा रखना है, पूरे ऊपर सीधो नीचे और ये ऊपर, और आप पैरों को मोड़ भी सकते हैं, इस कंडीशन में मोड़ भी सकते हैं सीधा इस कंडीशन में। तो इस वर्कआउट को आपको इस कंडीशन में करना, एकदम पूरा लोड आएगा आपके लोअर ऐप से, एकदम कटिंग में जाएंगे सिर्फ इस कंडीशन में, लोअर ऐप से एकदम कटिंग में जाएंगे। और अब हम लगाएंगे अगला वर्कआउट, जो कि हमें यहाँ पर थोड़े ऊंचे की जरूरत पड़ने वाली है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा बेंच का सहारा लेके इस वर्कआउट को फॉलो करेंगे, तो इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में करेंगे, पीछे आपको पकड़ लेना इस कंडीशन में, और किसी भी आप स्टूल वगैरह का सहारा लेके इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं आसानी से। तो पूरा ऊपर लाना, सिलो नीचे, और हमें अपनी टांगों को ढीला नहीं छोड़ना है, यहाँ पर रोक के रखना थोड़ा, और फिर से ऊपर सिलो नीचे, सिलो कंट्रोल स्क्यूज, एकदम पूरा एकदम लोड डालना लोअर बैक पे, क्योंकि हम अपनी लोअर ऐप को ट्रेन करने के लिए वर्कआउट करें, तो भाई लोअर ऐप पे फुल लोड आना चाहिए, पूरा स्क्यूज करना, मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन बना के एकदम पूरा लोड, एकदम पूरा फोकस आपको वर्कआउट पे इस कंडीशन में। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में करना, और इसके हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट निकालने मैक्सिमम, और रेपिटेशन आप जितना निकाल सकते हैं इतना निकालें। और अब जो हम वर्कआउट लगाएंगे इस कंडीशन में लगाएंगे, तो हमें यहाँ पर अपनी बेंच पे लेट जाना है, तो आप किसी भी मतलब मैट वगैरह का सहारा लेकर जमीन पे इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हमारा मैट थोड़ा भीगा हुआ है, तो हम इस वर्कआउट को इसको फॉलो करेंगे इस कंडीशन में, तो हमें इस कंडीशन में लेट जाना है, और पीछे आपको इस कंडीशन में पकड़ लेना, और टांगों को पूरा स्क्यूज करेंगे, पूरे पीछे की तरफ आएंगे, टांगों को सीधा करेंगे, और ऊपर की तरफ यहाँ पर पीछे की तरफ इस कंडीशन में पूरा एकदम स्क्यूज करना। और हम यहाँ पर जब अपनी टांगों को लेके जाते हैं, तो अपनी टांगों को ढीला नहीं छोड़ना है, ढीला नहीं छोड़ना, एकदम स्क्यूज पूरा बैलेंस बना के पीछे की तरफ स्क्यूज करना, पूरा होल्ड करना इस कंडीशन में। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में करना, और अगला जो हम वर्कआउट लाएंगे, तो हमें इसमें थोड़ी साइकिलिंग करनी है इस कंडीशन में, एक टांग ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस कंडीशन में इस वर्कआउट को फॉलो करना है इस कंडीशन में, एक टांग ऊपर का देखनी है, और इसको हमें नीचे लेके जाएगा इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आप थोड़ी एडवांस भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी तेज भी कर सकते हैं इस कंडीशन में, कंडीशन बढ़िया रख रही है, तरीका बढ़िया रख रहे हैं, जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं किसी भी मसल को ट्रेन करने के लिए कर रहे हैं। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में करना है, तो ये वर्कआउट हो चुका फाइनल। और आप इसी कंडीशन में वर्कआउट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, आपके एकदम सारे सिक्स पैक एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि भाई हमारी एक भी मसल वीक होती है, और एक भी मसल हमारी बनी हुई नहीं होती है, तो भी हमारे मतलब हम अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमारे लोअर ऐप्स नहीं है, यानी कि कटिंग में नहीं है, शेप में नहीं है, तो ये हमारे जो ऐप्स हैं सारे मतलब सारे ऐप्स कैसे अच्छे अच्छे लगने वाले हैं। तो लोअर ऐप्स को एकदम कटिंग में करना, तो इस वर्कआउट को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि इस कंडीशन में ऐप्स जमा करें आपको, तो इस वर्कआउट को फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये वर्कआउट से आपको रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, तो आपको अपनी थोड़ी डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा, जो भी आप मतलब चीनी खाते हो, मीठा खाते हो, या फिर तला हुआ खाते हो, तो भाई उसको आपको कट करना पड़ेगा, जब भी आपको अच्छे रिजल्ट आने वाले, हेल्दी खाना लेना पड़ेगा, तो जब भी आपको 100% रिजल्ट आने वाले, क्योंकि बहुत भाई तो मतलब 100% रिजल्ट मांगते हो, भाई वर्कआउट फॉलो नहीं करते हैं, डाइट अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, तो भाई आपको 100% कैसे रिजल्ट आने वाले हैं।
तो वर्कआउट को एकदम अच्छी तरीके से करना पड़ेगा और डाइट पर अपनी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको 100% रिजल्ट जब आएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो भाई लाइक शेयर करना ना भूलें, अगली वीडियो किस टॉपिक लानी है कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जय हिंद और वंदे मातरम।